वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे, साउथ कोरिया ने अपने तरफ से क्लेम किया है रशिया नॉर्थ कोरिया को अपने तरफ से न्यूक्लियर मिसाइल देने वाला है या फिर दे चुका है। एग्जैक्टली ये जो इंसिडेंट है, अगर हम लोग पास्ट में देखें, बहुत साल पहले से ही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। कभी कभार ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, कभी कभार फिर से गर्म हो जाता है, और प्रेजेंटली जो सिचुएशन है उसमें ये दोनों कंट्री के बीच में कभी भी वार शुरू हो सकता है। प्रेजेंटली साउथ कोरिया के तरफ से क्लेम किया गया है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में एक डील एग्रीमेंट फाइनल हुआ है, और ये तब फाइनल हुआ जब रशिया के पुतिन नॉर्थ कोरिया विजिट कर रहे थे। दोनों कंट्री एक दूसरे को हेल्प करने में तैयार है। एक साइड में नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स है वो रशिया में जा रहे हैं यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए। ऑन द अदर साइड रशिया अपने तरफ से जो मिसाइल का, न्यूक्लियर मिसाइल का जो टेक्नोलॉजी है या फिर न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो नॉर्थ कोरिया को दे रहा है। आगे हो सकता है कि वार में अगर ज़रूरत पड़े तो नॉर्थ कोरिया यही मिसाइल जाके साउथ कोरिया के ऊपर यूज़ करे। तो ये जो डर है ये साउथ कोरिया को ऑब्वियसली घबरा रहा है, जिसके वजह से साउथ कोरिया ने ये अनाउंसमेंट किया है। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भैया रशिया अपने तरफ से जो डील फाइनल किया है नॉर्थ कोरिया के साथ, क्या डील है उसमें? क्या रशिया जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर कर रहा है नॉर्थ कोरिया के साथ, या फिर वो अपने तरफ से जो मिसाइल है वो सप्लाई करेगा? अगली डील क्या है ये किसी को पता नहीं, सिर्फ रशिया नॉर्थ कोरिया को छोड़ के, उन लोगों के जो हेड है उन लोगों को छोड़ के। ऑन द अदर साइड कुछ सोर्सेस से ये पता चला है कि कुछ ही दिन के अंदर नॉर्थ कोरिया अपने तरफ से हो सकता है कि न्यूक्लियर टेस्ट करे। तो अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो ये बात तो फाइनल हो जाएगा कि नॉर्थ कोरिया अपने तरफ से कोई नया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के पास आया है जो नॉर्थ कोरिया टेस्ट करना चाहेगा कि एग्जैक्टली ये जो टेक्नोलॉजी ये काम करता भी है या नहीं करता है। अब ये नया टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के पास कहाँ से आएगा? जैसे प्रेजेंटली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, नो डाउट रशिया ने अपने तरफ से शेयर किया होगा। अगर कुछ महीने में नॉर्थ कोरिया अपने तरफ से कोई न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो ये बात तो कन्फर्म हो जाए कि रशिया ने टेक्नोलॉजी भी शेयर किया है। ऐसा नहीं है कि रशिया सिर्फ मिसाइल शेयर किया है, रशिया बोला हाँ चलो भाई आप लोग मिसाइल यूज़ करो, फिर से अगर ज़रूरत होता है तो आप एक काम करना, हम लोग को बोलना, हम लोग आपको फिर से मिसाइल दे देंगे। मगर ये बात में कितना सच्चाई है, एग्जैक्टली ये मिसाइल टेक्नोलॉजी शेयर हुआ है या फिर मिसाइल को नॉर्थ कोरिया के पास दिया है, ये एग्जैक्टली कन्फर्म नहीं है। डिपेंड करता है दोनों कंट्री के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए साउथ कोरिया का प्रेजेंट जो सिचुएशन है कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कभी भी साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर सकता है। दोनों का जो दुश्मनी है यह बहुत पुराना है और अभी भी चलता आ रहा है। प्रेजेंटली रशिया ने अपने तरफ से नॉर्थ कोरिया के साथ मिलके नॉर्थ कोरिया को हेल्प कर रहा है। अगर आप पूछे कि भैया रशिया ने क्या यह कंफर्म कर दिया कि ये जो सोल्जर्स थे ये रशिया में गए हैं, प्रेजेंटली एक मीटिंग में हम लोग अगर देखें, एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें पता चलता है कि पुतिन को एक जर्नलिस्ट पूछ रहा था कि सैटेलाइट इमेज से ये पता चला है कि जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स थे वो लोग रशिया में आए हैं और हो सकता है कि वो लोग आगे जाके यूक्रेन में लड़े, क्या यह बात सही है? इसका आंसर पुतिन बहुत ही स्मार्टली दिया है। पुतिन ने कहा कि हाँ हम लोग समझ सकते हैं, अगर आप सैटेलाइट से ऐसा कोई इमेज देखे हो तो अगर देखे तो कुछ तो है, एग्जैक्टली क्या है ये डिटेल्स जो है पुतिन ने अपना जो स्टेटमेंट है उसमें प्रोवाइड नहीं किया। मगर इससे यही पता चलता है कि पुतिन कन्फर्म कर रहा है कि हाँ भाई जो नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स है वो हम लोग के तरफ से आगे जाके यूक्रेन वॉर फ्रंट में जाएगा और यूक्रेन के अगेंस्ट में लड़ेगा। ऑन द अदर साइड एक क्वेश्चन हम लोगों को इसमें बस मतलब सोचने का है कि एग्जैक्टली रशिया इतना बड़ा एक कंट्री है, रशिया के पास अगर मैन पावर देखे वो भी काफ़ी ज़्यादा है, रशिया का जो आर्मी है या फिर जो मिलिट्री है वो भी बहुत बड़ा है, तो रशिया को क्यों अचानक से दूसरा कंट्री का सोल्जर को यूज़ करना पड़ रहा है, वो भी यूक्रेन जैसा एक छोटा सा कंट्री के साथ लड़ने के लिए? कमेंट कीजिए। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ ना कुछ आंसर होगा, तो वो भी मुझे पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा कोई वीडियो में, मैं आपको वही वीडियो में आपका जो आंसर है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी हो, बैक टू आवर टॉपिक, प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये काफ़ी गंभीर है। ऑन द अदर साइड साउथ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए यूएस पहले से ही आगे आया हुआ था और यूएस ने अभी भी साउथ कोरिया को सपोर्ट किया है। यूएस कंप्लीटली साउथ कोरिया के स्टैंड में खड़े हैं। यूएस का कहना है कि अगर साउथ कोरिया के ऊपर कुछ भी अटैक होता है या साउथ कोरिया को कोई भी हानि पहुँचाने का कोशिश करता है तो यूएस अपने तरफ से कोई भी लेवल पर जा सकता है। कोई भी लेवल मतलब यूएस अपने तरफ से न्यूक्लियर जो पावर है या फिर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है वो भी यूज़ कर सकता है। तो नो डाउट अगर दोनों कंट्री में वॉर स्टार्ट हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर कोई भी कंट्री अपने तरफ से पहले न्यूक्लियर पावर यूज़ करेगा, यूएस अपने तरफ से नहीं करेगा नो डाउट। ऑन द अदर साइड अगर आगे जाके साउथ नॉर्थ कोरिया अपने तरफ से कोई न्यूक्लियर मिसाइल यूज़ करता है तो हो सकता है कि यूएस भी अपने तरफ से न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज़ करे अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। ऑन द अदर साइड रशिया नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है,
साउथ कोरिया का अगर सपोर्ट देखे तो यूएसए यूएसए मतलब जो वेस्ट के जितने भी यूएस के चंटू वंटूज है सब उन लोगों के साथ है। मतलब एक परफेक्ट वर्ल्ड वॉर थ्री के लिए जो जरूरत है एग्जैक्टली दो टीम। हम लोग जैसे देख रहे हैं कि दुनिया धीरे धीरे टीम में डिवाइड हो रहा है, तीन तरह का टीम हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक है जो न्यूट्रल है, दूसरा है जो एग्जैक्टली वेस्ट के साथ में सपोर्ट कर रहा है, तीसरा जो है कि भाई आपका रशिया हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो या फिर चाइना हो या फिर ईरान हो, इन लोगों के टीम में है। तो टाइम के साथ साथ एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जो एक परफेक्ट वर्ल्ड वॉर थ्री का रेसिपी बन रहा है। सिर्फ इसमें एक ही स्पार्क चाहिए, एक न्यूक्लियर स्पार्क। अगर न्यूक्लियर स्पार्क हो जाता है तो वर्ल्ड वॉर थ्री स्टार्ट हो जाएगा। ऑन द अदर साइड यूएस कभी भी ये नहीं चाहेगा क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। पहला जो रीज़न है, यूएस कभी भी अपने आप मतलब अपने तरफ से डायरेक्ट जाके कोई कंट्री के साथ ज़्यादा वार में लोग इंटरेस्ट नहीं रहते। उन लोगों को हमेशा चाहिए कोई एक कंट्री और जिसके बिहाफ में यूएस उसको सपोर्ट करेगा और वो कंट्री लड़ेगा आगे जो अगेंस्ट में जो है। एग्जैक्टली अभी यहाँ नॉर्थ कोरिया है, कभी रशिया होता है, कभी ईरान होता है, तो ऐसे ही फार्मूला यूएस हमेशा यूज़ करता है। ये यूएस का फेवरेट फार्मूला है कि भाई हम लोग डायरेक्ट वार में नहीं जाएंगे, आप लड़ो, आपको हम लोग पीछे से बैकअप कर रहे हैं। और ये बैकअप जो है ये कोई भी लिमिट पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसराइल के टाइम में ही देख रहे हैं कि एग्जैक्टली किस लेवल पे बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखें यूक्रेन जैसे एक छोटा सा कंट्री इतना सालों से रशिया से लड़ते जा रहे हैं, इसके अलावा भी अगर हो सकता है कि अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में हो जाए तो यूएस ऑब्वियसली चाहेगा कि भाई साउथ कोरिया लड़े, हम लोग उसको पीछे सपोर्ट तो ज़रूर करेंगे। ऑन द अदर साइड साउथ कोरिया का टारगेट होना चाहिए नॉर्थ कोरिया और साथ ही साथ अगर रशिया उसके साथ में आता है तो रशिया भी। तो ये जो फॉर्मूला है यूएस का, ये नो डाउट यूएस का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और टॉप मोस्ट यूज जो करता है यूएस, हमेशा यही फार्मूला को यूएस यूज करता है। और इस फार्मूला के वजह से बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अपने तरफ से ख़त्म हो गए हैं। ऑन द अदर साइड यूएस जो है वो आबाद होते जा रहा है, दूसरा कंट्री बर्बाद होते जा रहा है। तो जो भी है कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं कंट्री के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है या फिर कंट्री के हेड या फिर जो भी पीएम हो चाहे प्रेसिडेंट हो उन लोगों के ऊपर। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जैसे कि हम लोग को पता है कि यूएस में इलेक्शन हो रहा है ऑलरेडी, एग्जैक्टली वो इलेक्शन के बाद क्या रिजल्ट आता है, हो सकता है कि इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें ये जो वार है इसका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आगे आप देखें इसराइल वाला जो वार है या फिर यूक्रेन वाला जो वार है उसका भी फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। तो जो भी है आगे अगर यूएस चाहता है कि भाई नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा कुछ वार ना हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया के साथ यूएस को बैठना पड़ेगा। वही सिचुएशन में नॉर्थ कोरिया के पास जितना ज़्यादा पावर रहेगा नॉर्थ कोरिया उतना ज़्यादा अपना मना पाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें नॉर्थ कोरिया को क्या चाहिए, नॉर्थ कोरिया को चाहिए कि भाई हम लोग के ऊपर जितना भी सैंक्शन है सब हटा लो, हम लोग पूरा वर्ल्ड में फ्रीली ट्रेड कर पाए। इसके अलावा भी हम लोगों का सबसे एग्जैक्टली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग का जितना भी वेपन्स है वो वेपन्स हम लोग जब चाहे यूज़ कर पाए अगर हम लोग को ज़रूरत पड़े। इसके अलावा भी एक और फैक्टर है, वो है आपका साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया का रूल। एग्जैक्टली नॉर्थ कोरिया जो चाहता है कि भाई साउथ कोरिया के ऊपर हम लोग छड़ी घुमाएं, तो ये सारा डिमांड नॉर्थ कोरिया के तरफ से आ सकता है। आगे यूएस कितना मानेगा या नहीं मानेगा या फिर आगे जाके वो लोग अगर कोई भी कंट्री नहीं मानता है तो क्या होगा, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर। ऑन द अदर साइड यूएस इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर, तो जैसे जैसे यूएस इलेक्शन के रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग का ये जो पिक्चर है एग्जैक्टली ये थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा। ऑन द अदर साइड बहुत सारे सोर्सेज का कहना है कि पुतिन और नॉर्थ कोरिया के बीच में बहुत सारे और भी डील्स हुए जो डील अभी तक हम लोग को देखने को मिला नहीं, हो सकता है कि इन फ्यूचर में जाके हम लोग को उसका भी मतलब झलक देखने को मिले जैसे हम लोग को अभी ये मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है एग्जैक्टली पुतिन जब गए थे नॉर्थ कोरिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और कौन कौन सेक्टर में पुतिन नॉर्थ कोरिया के साथ डील कर सकता है या फिर दोनों में कंट्री में एग्रीमेंट साइन हुआ है, कमेंट कीजिए। अगर कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि आपका सोच क्या है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज और देखने हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU SPACE PAUL में जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोज आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। एग्जैक्टली क्या होता है हम लोग जब घर में बैठते हैं टीवी देखने तो हर कोई अपना चॉइस का कुछ देखने लगता है, अगर आप अपना जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनके साथ शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली उनको भी पता चलेगा कि आपका क्या चॉइस है। और इससे क्या होगा, इससे हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो थोड़ा बहुत डाल रोटी भी चल जाएगा। ऑन द अदर साइड आप दोनों के बीच में एक कॉमन चॉइस क्रिएट होगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जब भी आप चैनल में जा रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बेल आइकन है उसमें भी क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियोज़ जो है डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।